डीजे भोला स्टूडियो शिकोहाबाद। बहुत कुछ दिया है तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। लेकिन तुम्हारे जैसा दानी नहीं देखा, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, आप हमसे एक वरदान मांग लो। जैसे ही बाबा भगवान राजा बलि से इतनी बात कहते हैं, राजा बलि जोर से हंसा और राजा बलि जोर से हंसने के बाद बोले, प्रभु क्या कहा? वरदान मांग लो, एक बात बताओ प्रभु। मांगो मांगो मुझसे कही रहे हो, अब तो बहुत बड़ी कहानी बन रहे हो। कि मांगो मांगो मुझसे कही रहे हो और मेरे द्वार मचायो दंगा है, लाज लगे मोई शर्म लगे मेरे सामने खड़ो भी कमंगा है। बन रहे हो,
जो स्वयं मेरे दरवाजे पर भिखारी बन करके आए हो कि क्या मांगूं भी भिखारी से, जो मेरे दरवाजे पर स्वयं भिखारी बन करके आए हो और तुम मुझे क्या दोगे। बावन भगवान चुप रह गए, बोले बात तो सही है। बावन भगवान बोले राजा बलि कोई बात नहीं, तुम नहीं मांगना चाहते लेकिन फिर भी मैं तुम्हें पातालपुरी का राजा बनाता हूं। आज राजा बलि को पातालपुरी का राजा बना दिया। तभी तो कहा है कि मन चीती ये ना भई, ओ प्रभु चीती तत्काल, जाए जा तो बलि बैकुंठ को, तो भेज दे पाता। आज पातालपुरी का राजा बना दिया। राजा बलि को जैसे ही पातालपुरी का राजा बनाया तो राजा बलि ने कहा प्रभु अब राजा तो बना ही दिया है तुमने, तो एक काम भी कर, तुम्हारा एक वरदान दे दो अब कहने से। बोले अभी तो मैं कह रहा था कि वरदान मांग ले तब तो तू बहुत बड़ी बात कर रहा था, अब क्या हुआ। बोले प्रभु एक छोटा सा वरदान दे दे। बोले क्या चाहते हो। बोले प्रभु मैं अपने राज सिंहासन पर बैठ करके देखूं, जिस दरवाजे पर देखूं सिर्फ तुम्हारे दर्शन पाता रहूं। आज तो मेरे प्रभु फंस गए। बोले इसने क्या मांग लिया। मेरे प्रभु ने वो मस्तु कह दिया, आज तो राजा बलि जिस दरवाजे पर देखते हैं बैठ करके सिंहासन पर, मेरे प्रभु दौड़कर उधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, नाच नच रहे हैं क्योंकि भक्तों के बस में। कि भगतन ने मुको नाना भांति नचायो, बड़ी भीड़ जब मीरा जी पे मोसे ध्यान लगायो।
के बस।